अगर आप इस सूर्य को खतरनाक खिलाड़ी और कप्तान मानते हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, मूसलाधार बारिश के बाद सुपर ओवर में सूर्य और रिंकू के चमत्कार के चलते टीम इंडिया ने अफ्रीका को धूल चटाकर पहले T20 को अपने नाम किया। तो अफ्रीका के कप्तान एडन मार्करम से लेकर कई बड़े बड़े दिग्गज एबी डिविलियर्स, डेविड मिलर और कई अफ्रीकी खिलाड़ियों का तो गुस्सा ही फूट पड़ा है। और अब BCCI से लेकर भारतीय खिलाड़ियों पर आरोप लगाते हुए उन्होंने जो कह डाला उनकी बातें सुनकर तो आपका भी खून खौल उठेगा। तो आखिर क्यों अपनी हार बर्दाश्त नहीं कर पाए अफ्रीकी खिलाड़ी? ऐसा क्या कुछ कहा उन्होंने भारत पर अपना गुस्सा निकालते हुए? उनका पूरा बयान तो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि सूर्या, रिंकू और एबी डिविलियर्स में से कौन सबसे खतरनाक T20 बल्लेबाज है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, जहां एक तरफ इंडिया और साउथ अफ्रीका के महामुकाबले के लिए पूरी दुनिया बेकरार थी, तो वहीं किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। मूसलाधार बारिश के चलते 7 बजे होने वाला टॉस भी काफी लेट हो गया। लगातार बारिश का कहर बढ़ता ही जा रहा है। अंदाजा तो था कि मौसम खराब रहेगा, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि हालात इतने बुरे हो जाएंगे। बारिश रुकने का इंतजार किया जाने लगा। लगातार समय बीतता गया, पहले 8 बजे, फिर कब 9 बज गए पता ही नहीं चला। यहाँ तक कि ओवरों की कटौती भी शुरू हो गई थी। सभी प्रार्थना कर रहे थे कि कम से कम 5-5 ओवर का ही मुकाबला हमें देखने को मिल जाए, और अंत में भगवान ने सभी फैंस की प्रार्थना सुनी। बारिश तो रुकी, लेकिन हालात ऐसे नहीं थे कि 5-5 ओवर का मैच कराया जा सके। फैंस निराश हो गए थे। ऐसे में सभी की नाराजगी और मायूसी को देखते हुए मैच ऑफिशियल्स ने दोनों कप्तानों से बातचीत करने के बाद एक सुपर ओवर का फैसला करने का निर्णय लिया, जहां पहले बल्लेबाजी करते हुए साउथ अफ्रीका ने 16 रन सुपर ओवर में बना लिए थे। भारत को जीत के लिए 17 रन चाहिए थे, वो भी केवल 6 गेंदों पर। चुनौती आसान नहीं थी, लेकिन रिंकू और सूर्या ने तो अपने बल्ले से चमत्कार ही कर दिया। एक के बाद एक चौके छक्कों की झड़ी लगाते हुए उन्होंने 5 गेंदों में ही मुकाबले में टीम इंडिया को जीत दिला दी और 1-0 से 3 मैच की इस T20 सीरीज में बढ़त भी दिलाई। बस फिर क्या था, पूरा हिंदुस्तान तो खुशी से झूम रहा था, लेकिन दूसरी तरफ अफ्रीका खिलाड़ियों और उनके फैंस का दिल ही टूट गया था, जहां अब तो उनके कप्तान एडन मार्करम से लेकर कई खिलाड़ियों और अफ्रीकी दिग्गजों का भी गुस्सा फूट पड़ा है। सबसे पहले तो एडन मार्करम ने कहा कि ये T20 मैच नहीं, केवल एक मजाक हुआ है। एक ओवर से आप पूरे मैच का रिजल्ट नहीं निकाल सकते, और मैच करवाना था तो कम से कम 5-5 ओवर का करवाना चाहिए था, तब दोनों टीमों के पास बराबरी का मौका होता, लेकिन यहाँ तो एक ओवर का ही रिजल्ट निकाल दिया गया। ये बिल्कुल भी सही नहीं हुआ, नियमों के हिसाब से भी ये पूरी तरीके से गलत है। एम्पायर ने मुझसे पूछा भी नहीं, सीधे आकर मुझे फैसला बताया गया कि सुपर ओवर होना है। मुझे नहीं पता कब से मैच रद्द करने की जगह एक ओवर से मुकाबले का रिजल्ट निकाला जाने लगा। हमें अपनी ये हार मंजूर नहीं है। तो केवल इतना ही नहीं, अफ्रीका के सबसे बड़े दिग्गज एबी डिविलियर्स का कहना है कि इस तरीके से मैच का रिजल्ट निकालना गलत है। हालांकि फिर भी मैं टीम इंडिया को जीत की बधाई देना चाहता हूं। उन्होंने अच्छा खेला तभी वो जीते हैं, पर उनको भी ज्यादा खुश नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये केवल एक ओवर का मैच था और भारतीय टीम की किस्मत खुल गई थी। अभी भी 2 मैच बाकी हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि यदि ये मैच भी पूरा होता तो हम टीम इंडिया को बुरी तरीके से हराते, लेकिन अभी भी हमारे पास मौका है। अगले 2 मैचों में हम टीम इंडिया को हराएंगे और ये सीरीज अपने नाम करेंगे। भारतीय टीम की खुशियां ज्यादा लंबी नहीं चलेंगी, मुझे अपनी टीम पर भरोसा है। उनके अलावा डेविड मिलर का कहना है कि सुपर ओवर करने का फैसला अचानक से कैसे ले लिया गया, हमें अभी भी समझ में नहीं आ रहा। न ही हमारे कप्तान से पूछा गया, न ही हमारी टीम से, और मुझे पता है भारतीय कप्तान से एम्पायर और रेफरी दोनों ने बात की थी। मुझे नहीं पता ये क्या हुआ है, लेकिन चीजें हमारे हक में नहीं गई। हम चाहते थे पूरा मैच हो, लेकिन नियमों के अनुसार बारिश की वजह से मुकाबला रद्द कर दिया जाना चाहिए था। ये सही होता, 6 गेंदों में आप मैच का रिजल्ट नहीं निकाल सकते, उतना समय तो सेट होने में लग जाता है। अचानक से कोई भी आकर हमें बोलेगा बैटिंग करें तो हमारा वो माइंड सेट ही नहीं होता हम वहां जाकर चौके छक्के बरसा सके। उम्मीद है अगले मैच में हम वापसी करेंगे। जी हाँ दोस्तों, मिलर भी बिल्कुल खुश नहीं थे वो। हाशिम आमला का मानना है कि ये तो रेगुलर मैच था, इसमें सुपर ओवर करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। फिर भी मैं टीम इंडिया को बधाई देना चाहता हूँ जिन्होंने मुकाबला जीता है, लेकिन अभी 2 मैचेस बचे हैं। हमारी टीम आसानी से T20 सीरीज जीत लेगी, इतना भरोसा तो हमें अपने खिलाड़ियों पर है। ये भी मैच अगर पूरा होता तो हम जीतते, इसमें तो कोई शक की गुंजाइश नहीं है। टीम इंडिया को तो अभी से अपनी हार का माइंडसेट बना लेना चाहिए। तो दोस्तों, कोई भी अफ्रीका खिलाड़ी दिग्गज सुपर ओवर के फैसले से बिल्कुल भी खुश नहीं है, ये बात तो बिल्कुल साफ हो गई। लेकिन अब आपको क्या लगता है कि 3 मैचों की T20 सीरीज कौन सी टीम अपने नाम करेगी? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।